सुनो, ढंग से सुन लीजिए। ये जैसे लाइट का सोर्स है ना, लाइट का सोर्स हो सकता है कोई, हमने एक बल्ब ले लिया, वो हमें लाइट प्रोवाइड कर रहा है। नॉर्मल लाइट हर पॉसिबल प्लेन में ऑसिलेट करती है, हर पॉसिबल प्लेन के अंदर। जब हम इसमें से, है ना, जब इसको निकोल प्रिज्म से पास करेंगे, तो कोई एक प्लेन रह जाएगा, है ना, और उस एक प्लेन को अपन बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वो एक प्लेन रह गया, उस एक प्लेन को क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि जिस सब्सटेंस की हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, क्या करते हैं उसका सॉल्यूशन, एक इस तरह की ट्यूब होती है उसमें भर लेते हैं, ठीक है, और इस ट्यूब में से इस लाइट को पास करते हैं, ठीक है ना, इस ट्यूब में से इस लाइट को पास करेंगे। अब देखिए, अगर लाइट के एंगल में कोई चेंज नहीं आया, है ना, ये ऐसे ही रह गया, तो इसका मतलब ये हो गया ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइट क्लॉकवाइज मूव कर जाए, देखो इस तरफ मूव कर दी, या एंटी क्लॉकवाइज, भाई जैसा भी ये ऐसे था उधर जा सकता है और इधर भी आ सकता है, हो सकता है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो चीजें हो सकती है। तो क्लॉकवाइज आ रहा है उसको डेक्सट्रोरोटेटरी बोलते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, लीवोरोटेटरी। डेक्सट्रोरोटेटरी को डी या प्लस इंडिकेट करते हैं, और लीवोरोटेटरी को एल या माइनस इंडिकेट करते हैं। ये ऑर्गेनिक में पढ़ाया था मैंने आपको लास्ट 11th में, है ना। तो अब देखो, सुनो, अब हमारे पास कोई पोलारीमीटर तो है नहीं कि हम पोलारीमीटर लें और उसमें रख के पता कर लें कि ऑप्टिकल एक्टिव है, तो थ्योरेटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, और हमें कैसे फाइंड आउट करनी है थ्योरेटिकली। तो थ्योरेटिकली हम क्या देखते हैं कि जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, देखो समझना, प्लेन देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री अपन किसको बोलते हैं, सुनो, जैसे सपोज आपने लास्ट ईयर एक पढ़ा होगा काइरल कार्बन, याद कीजिए, नाम सुना होगा काइरल कार्बन, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज क्या हो, डिफरेंट हो, चारों वैलेंसीज डिफरेंट हो, है ना। तो आप इसको किसी भी प्लेन से काटो, है ना, कभी भी कोई दो सिमिलर एटम आमने सामने नहीं आएंगे। देखो अभी ये मिथेन दिख रहा है आपको, ये देखो बेटा, ये दिख रहा है मिथेन, ठीक है। अगर मैं यहां से काटूं ये वाला, तो बेटा ये दो एटम क्या आ गए, आमने सामने आ गए ना। देखो मैं अगर यहां से काटूं तो ये तो कट जाएगा, ये वाला एटम और ये कार्बन, तो ये दो क्या रह गए, आमने सामने आ गए, एक जैसे ग्रुप, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब मैं क्या करूं, देखो कि इसमें ये चारों ग्रुप अलग अलग कर देता हूं मैं, ठीक है ना। अगर मैं अलग अलग कर देता हूं, देखिए ये मैंने क्या किया, चारों ग्रुप अलग अलग कर दिए, देखिए, है ना, दिख रहा है आपको, देखो चारों अलग अलग कलर की बॉल है, ये चारों अलग अलग की बॉल है। तो आप इसको किसी भी प्लेन से काटो, ऐसे काटोगे ये और ये दो बॉल एक जैसी नहीं है, समझ में आ गया मामला, बोलो, अरे समझ में आया क्या। वैसे ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, और वैसे मैंने 11th में पढ़ाया था, जो बच्चे लास्ट ईयर यहाँ थे उनको तो मैंने पढ़ा रखा है, और जो कहीं और पढ़ गया तो उनको पता होगा आपका खुद का, ठीक है ना। तो पूरा पढ़ाया था मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। तो बेटा ये देखो, ये काइरल कार्बन है, चारों ग्रुप देखो डिफरेंट है इसके अंदर, ध्यान दीजिए एकदम, आपको दिखा अच्छा भला ये, है ना, ये देख सकते हो आप, है ना। तो जब चारों ग्रुप डिफरेंट
डिफरेंट हो, है ना बेटा। जब चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो देखो क्या होगा, अगर अपन इसकी मिरर इमेज बनाए, इसकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगी, है ना। समझ मारी बात, बोलो समझ में। टाइरल कार्बन उसको बोलते हैं जिसमें चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है ना। तो इसमें कहीं पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये और इसकी मिरर इमेज। अब आप एक काम करो, इसको उठा के इसके ऊपर लेके आओ, तो बेटा आई जो है ना वो सीएल के ऊपर आ रहा है, और जो सीएल है ना वो आई के ऊपर आ रहा है। इसको उठाओ और इसके ऊपर लाके रखो, रखोगे ना, उठाओ और लाओ, तो देखो आई इसके ऊपर आएगा, है ना, और सीएल आई के ऊपर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये बात समझ आएगी, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। अब देखो इस तरह से बार बार मिरर रख के निकालना भी हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और पोलारीमीटर भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक सिंपल सा फंडा ये है कि जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। भाई हमारे पास ये पोलारीमीटर थोड़ी ना, अभी हमारे पास थोड़ी ना, और हम बार बार मिरर लेके थोड़ी ना करेंगे, है ना। तो हम एक ही चीज सीखेंगे कि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो वो क्या होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझ में आ रही बात ही, है ना, बोलो। तो ये वैसे ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे अपन वापस, जो बच्चे नए जिनको अगर नहीं है उनको बताऊंगा मैं। तो यहां तक कोई डाउट, बोलो। ये फटाफट आप नोट कर लो, फिर अपन सीधा ही प्लेन ऑफ सिमेट्री पे चलते हैं। हाँ भैया, हो गया, तो देखो ना तो मिरर का अपन यूज कर सकते हैं ना पोलारीमीटर है, तो अब हमें क्या देखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं, हटा रहा हूं बेटा मैं ये, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे वापस इसको। तो देखो बेटा सुनो, अच्छा एक बात सुन लो, एक कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज है ना, जैसे अभी मैंने बनाया था कंपाउंड और इसकी मिरर इमेज, इसको बोलते हैं एनेंशियोमर। क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा अपन लेते हैं सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो POS, देखो ऐसा प्लेन जो किसी गिवन ऑब्जेक्ट को ऐसे दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो, है ना। जैसे देखो सुनो, ये A है मान लीजिए मेरे पास, ठीक है, यहां से इसको मैंने डिवाइड किया, इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, एक जैसा है ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, है ना। मैंने ये लिया H, बोलो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, है ना, है कि नहीं बेटा। लेकिन अगर मैं लेता हूं G, है ना, इसमें है, इसमें नहीं आएगी, चेक करो आएगी क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। ये समझ में आया पहले इतना, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब समझ में आया क्या। अब देखो सुनो,
जैसे मेरे पास ये एक ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स लिया मैंने, ठीक है, देखो ऊपर और नीचे एक ही जैसे लिखे नहीं, ठीक है ना, जैसा ये है वैसा ही है, तो कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, देखो सुनो बेटा ये देखिए आप, ठीक है ना आपको, तो इसमें देखो क्या है, ऊपर ग्रीन कलर की बॉल और नीचे भी ग्रीन कलर की बॉल है, मैं इसको ऐसे काटूंगा, ऐसे काटू, ऐसे काटूंगा तो जो कट गया ना उसको भूल जाओ, वो तो गया, वो तो भगवान को प्यार हो गया, तो इसको काटा मैंने तो ये मतलब ये पूरा प्लेन है, तो ये तो उड़ गए, तो ऊपर क्या आई, ग्रीन कलर की बॉल और नीचे भी क्या आई, आमने सामने एक जैसी बॉल आई, इसका मतलब क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये बात सुनागी, बोलो। अब देखो जैसे 180 पे यहां है ना, और क्या हो सकता है, मतलब इसमें 180 के कितने एंगल है, तीन है ना, है ना, 180 के कितने एंगल है, तीन है ना, एक दो और ये तीन है कि नहीं है, 180 के तीन है। अब देखो सपोज जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मैंने यहां ए और यहां ए ले लिया, ठीक है, तो ये भी तो वही है 180 के अकॉर्डिंग, आप इसको जब काटोगे, ठीक है ना, तो आप देखो इसको ऐसे काटो, ये स्क्वायर बन सकता है, बताओ आमने सामने क्या आ गया, सिमिलर ग्रुप आ गया क्या, देखो मैं इसको डायग्राम में आपको ये देखो इस मॉडल में समझो, देखो बेटा जैसे ये था ये ए और ये ए, ये देखो ये दो दिख रही है ग्रीन कलर की बॉल आपको, है ना, अब मैंने क्या किया इस प्लेन से काटा, ऐसे ऐसे काट रहा हूं, समझ लीजिए, तो कटेगा तो क्या क्या जाएगा, देखो यहां से काटोगे आप, ये प्लेन है तो व्हाइट चारों बॉल और येलो चारों बॉल जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी ना, बोलो तो जाएगी, तो इसका मतलब इसमें क्या आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, है ना, तो आगे देखो बताओ क्या इसमें इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, है ना बेटा, ये भी तो 180, ये भी 180, ये भी 180, एक ही तो बात है ना। अब देखो जैसे सपोज ये ले लिया मैंने, ठीक है ना, ये वाली पिक्चर है ये, अब आप इसको ऐसे काटो, काटोगे तो ये तो चारों कट जाएंगे, ये रह जाएगा इस तरह से, रह जाएगा नहीं रह जाएगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, क्या ध्यान रखना है कि 180 पे चेक कर लो, 180 पे चेक करेंगे, 180 पे चेक करने पे तीन जगह है, एक दो और ये तीन, है ना, तो अगर ऐसा है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, पर हमने ग्रुप में क्या लिखा था कि क्या होना चाहिए, 180 समझ में आएगा, हम ग्रुप बनाते थे, अब बताओ ये बताना बेटा, हाँ जी ये देखते हैं अपन, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, बताओ भाई इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बोलो इसमें है बेटा, देखो सुनो जैसे देखो बेटा ऐसे समझो, ये है ये ग्रीन कलर की बॉल, ठीक है, और ये व्हाइट कलर की है, ठीक है, अब देखो है ना, अगर मैं इस वाले प्लेन से काटूं, बीच वाले से ध्यान से देना, तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ग्रीन के सामने ग्रीन आया है ना, और व्हाइट के सामने व्हाइट आया कि नहीं आया, बोलो,
आप इसको ऐसे काटोगे ना, बोलो, तो जब कटेगा तो क्या होगा, ग्रीन के सामने ग्रीन, व्हाइट के सामने व्हाइट, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई ना। अरे समझ में आएगा? देखो आपको नहीं समझ आया तो सुनो, देखो बेटा ये जैसे कॉपी है ना, अपन एक काम करते हैं, जैसे मैंने यहां बनाया ए, यहां बनाया ए, यहां बनाया बी, यहां बनाया बी, ठीक है, दिख रहा है आप सबको है ना, ए और ए, ठीक है, फिर इधर आपका बी और बी, ठीक है। अब क्या था, एक बॉन्ड ऐसे आपकी तरफ और एक बॉन्ड मेरी तरफ, एक ऐसे और एक ऐसे। अब अपन क्या कर रहे हैं बेटा, इसको अपन देखो इसको ऐसे काट रहे, ठीक है ना। सोचे आप कॉपी के दो पार्ट कर दो, तो ए के सामने ए आ गया और बी के सामने बी आ गया कि नहीं आ गया, बोलो समझ में आया, बोलो क्या ये समझ में आया, आ गया क्या समझ में, ठीक है। तो बेटा अपन क्या कह सकते हैं, अपन ऐसा बोल सकते हैं एनी टू आइडेंटिकल लिगेंड एट 180, यानी आप ऐसे लिखोगे, याद है क्या ऐसे पेयर बनाते थे अपन, ये पेयर क्या होता था, इस पेयर को क्या बोला जाता था, याद है क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ए ट्रांस ए, याद है क्या। तो अगर ऐसा है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना, है ना। जैसे देखो ये है ना, ये और ये बात समझ आएगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए अपन ऐसा बोले टू आइडेंटिकल पेयर आ जाए, टू आइडेंटिकल पेयर आ जाए, ठीक है ना। टू आइडेंटिकल पेयर का मतलब जैसे ए बी, ए बी, ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, बाजू में इन लाइनों को देखो, इन डायग्राम में समझो, देखो ये ए और ए ट्रांस, ए और ए ट्रांस, ए और ए ट्रांस, याद करो मैंने ऐसे पेयर बनाने सिखाए थे, सिखाए थे ना, बोलो ये था ऐसा। अब देखो यहां देखो ए बी ट्रांस और ए बी ट्रांस, ये देखो ए बी, ए बी है कि नहीं है, ए बी ट्रांस, ए बी ट्रांस, ये दो पेयर हो गए, एक और एक दो, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना भैया, बोलो दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बोलो है ना। अरे समझ में आ गया क्या, हाँ भैया कोई डाउट किसी को, बोलो, ये पॉइंट नोट कर ले आप, बाकी डायग्राम आपको बना के दे रखे हैं, देखो ये इस तरह से है ना आपके हैं,
हाँ भैया देखो ये बना रखे डायग्राम आपके, ठीक है। तो अब अपन करें स्टार्ट वन बाय वन, कुछ केस लेके मैं चीजों को समझाता हूं। अच्छा एक बार बताओ, इसमें 180 के तीन एंगल है ना, तो तीन पेयर बना सकते हैं, एक दो और ये तीन। देखो एक दो और तीन। चलिए अब देखो बेटा सुनो, अपन वन बाय वन केस लेते और एक्सप्लेन करते थे। चलिए सबसे पहले लेता हूं केस फर्स्ट, मैंने लिया Ma6, ठीक है Ma6 मेटल के साथ जुड़े हुए सारे के सारे लिगेंड एक जैसे हैं, बताइए क्या इसमें कोई नई कंडीशन बना सकते हैं आप? क्या इसमें मुदिता जोशी आपने रोल नंबर नहीं डाले? हाँ जी देखो ये देखो सारे ग्रुप एक जैसे हैं, है ना, ठीक है। तो इसमें नई कंडीशन तो नहीं बनेगी, नहीं बनेगी ना, बोलो है ना। तो क्या बताओ जी आई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती ना। अच्छा इसमें ओ आई हो सकती है क्या? क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है बताओ, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? ये इनएक्टिव है। देखो बहुत आसान है, देखो 180 पे एक जैसे आ गए, 180 पे एक जैसे आ गए, 180 पे एक जैसे आ गए। देखो अपन इसको पेयर बनाते हैं, मैंने क्या सिखाया था आपको, देखो ए ए कौन सा, जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है, और फिर ये हो गया कि नहीं हो गया। मैंने क्या बोला, कोई भी एक पेयर जिसमें ये दोनों एक जैसे आ गए तो ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। पास नहीं, तो जैसे अपन ये ले सकते हैं एग्जाम्पल, ये मेटल हो गया और ये सिक्स अमोनिया हो गए, होगी कि नहीं होगी, ये बात सुनाएगी बोलो, ठीक है। अब बताओ अगर मैं कहता हूं A5B, ठीक है A5B ये दे रखा है, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा बताओ भाई? बोलो पहले बताओ जी आई होगी, जी आई होगी क्या? जी आई नहीं होगी। और ओ आई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिव है क्या, है क्या? दोनों ही नहीं है बेटा, है ना। देखो सुनो, सपोज जैसे मैंने ये लिया, देखो ये दिखा ना आपको, तो ये अपने एक चेंज कर लिया, अब नई कंडीशन तो आप बना ही नहीं सकते, किसी भी तरह से नहीं बना सकते आप, है ना। जैसे देखो सुनो, एम ए ए ए ए ठीक है, ये ए और बी आप देख लो, इसमें कोई भी कंडीशन आप नहीं बना सकते, तो जी आई तो नहीं होगी, ठीक है, ओ आई नहीं होगी। क्यों? देखो 180 आ गया, ये 180 आ गया, क्लियर हो गई। आप इसके देखो A5B के, है ना, ऐसे लिख लो। अब इसके पेयर बनाते हैं, देखो ए ए ए ए ए बी, कोई नई कंडीशन ला सकते हैं क्या आप, है ना। एक कंडीशन है सिर्फ, सिंगल कंडीशन है ना, सिंगल पॉसिबिलिटी, बोलो। तो ना तो जी आई है ना ही ओ आई है, क्या ये समझ में आया? चलिए बताइए, केस सेकंड लेते हैं,
मैंने दिया एम ए फोर बी टू, एम ए फोर बी टू ये मेरे पास, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले पेयर बनाते हैं अपन। देखो एक काम करो, ऐसे लिख लो, चार ए है और दो बी है, क्या क्या बन सकता है? देखो ए ए, फिर ए ए, फिर बी बी, और क्या बन सकता है? ए ए, ए बी, ए बी। दो कंडीशन बन गई ना, बन गई ना। इसका मतलब जी आई तो आ गई, आ गई क्या जी आई? बोलो, दो कंडीशन बन गई। अब देखो इसको मैं समझाता हूं आपको, सुनो मैडम। ये मेरे पास, ठीक है, मैंने लिया बी बी, ए ए ए ये लिया, फिर बी बी ए, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ भैया बताओ, पहले वाला क्या है बी के रेस्पेक्ट में? पहले वाला बी के रेस्पेक्ट में क्या है? सीस या ट्रांस? ट्रांस है, है क्या? और दूसरे वाला बताओ बी के रेस्पेक्ट में क्या है? दूसरे वाला बी के रेस्पेक्ट में क्या है? सीस है क्या? देखो ध्यान दो बेटा, ये देखो, ये वही कंडीशन है, ये बी और बी दिख रहा आपको है ना, और ये बाकी ए हो गए, है ना। ये बात समझ आ गई आपको? बोलो, तो ये ट्रांस हो गया। अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, अब बताओ क्या सीस हो गया? देखो 90 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। अब एक चीज और समझ लीजिए, क्या कि ऑप्टिकल एक्टिव है क्या? बोलो, ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? दोनों, दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखो इसमें क्या दिख रहा है, देखो एक जैसा आ गया है ना, इसमें भी देखो ये आ गया, ये वैसे वो दो वाला आ गया है ना, तो वो था ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मतलब इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये बात समझ आई? इन एग्जाम्पल में कोई डाउट? बोलो, है क्या? चलिए आगे चले। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, केस थर्ड लेता हूं मैं, मैंने दिया एम ए फोर BC, ठीक है। बताओ इसके कितने GI बना सकते हैं आप? एम ए फोर बी सी के कितने GI बना सकते हैं? कोई बनेंगे? देखो आप अगर पेयर वाला फंडा सीख गए ना, देखो क्या करोगे, क्या बन सकता है? ए ए, फिर ए ए, फिर बी सी, बन गया। फिर देखो क्या बन सकता है, ए ए, ए बी और ए सी। कोई और नई कंडीशन आ सकती है? कोई और कंडीशन आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। अच्छा बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव?
हाँ जी ऑप्टिक है ना, है भैया देखो ए ए एक जैसा आ गया, फिर ए ए एक जैसा आ गया ना, आ गया क्या? तो ये दोनों के दोनों ऑप्टिकली क्या होंगे? इनएक्टिव होंगे। होंगे क्या बोलो? क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई क्या? ठीक है चलिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को बहुत ध्यान से समझना। देखो नेक्स्ट जो भी केस है, केस नंबर 4 मैं लेता हूं MA3B3, बहुत ही फेमस एग्जांपल है। A3B3 ये लिया मैंने, ठीक है। इसमें कितने GI बन सकते हैं बताओ भैया, कॉम्बिनेशन बना के बताओ पहले तो आप। दो बनेंगे, दो बनेंगे क्या? देखो कैसे, देखो साहब ए ए फिर बी बी फिर ए बी, एक तो ये बना, फिर ए बी ए बी ए बी, ये समझ में आया? इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? दो ही है बेटा। अच्छा बताओ दोनों ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखो इसमें ए आ गया ना, ठीक है, और इसमें देखो ए बी वाले दो सिमिलर ग्रुप आ गए, याद है मैंने दो पॉइंट लिखाए थे, याद है क्या? दो पॉइंट बताए थे, ए ए वाला ए ग्रुप आ जाए या ए बी वाले दो ग्रुप आ जाए, है ना, तो बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है जेई और नीट का, है ना। अब इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा सुनो, देखो जैसे मेरे पास ये एम एस ले लेते हैं, एक तो मैंने ये कंडीशन बनाई, पहले इस कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फिर अपन नई कंडीशन लेते हैं। देखो बेटा सुनो, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा समझना क्योंकि 12th में भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या ये इस तरह की पिक्चर, बेटा एक बात बताओ, ये जो आपने ऑक्टाहेड्रल बना रखा है ना, ये ऑक्टाहेड्रल का एक फेस हो गया। ऑक्टाहेड्रल में टोटल 8 ट्राइंगुलर फेस होते हैं। देखो एक ट्राइंगुलर फेस, ये ट्राइंगल बनेगा ना बेटा, यहां से ऐसे चलो, देखो तीन पार्टिकल है, देखो 1, 2, 3, इनके सेंटर को मिलाओगे क्या बनेगा? ट्राइंगल। इन तीनों को मिलाओगे ट्राइंगल, इनको मिलाओगे ट्राइंगल, इनको मिलाओगे ट्राइंगल, चार ऊपर बने और चार नीचे बने, बने ही नहीं बनेंगे। पहले ये समझ में आया, ऑक्टाहेड्रल में कितने फेस होते हैं? ऑक्टाहेड्रल में नाम ही ऑक्टा है ना, तो 8 कौन से फेस होते हैं? कौन से बोलो, ट्राइंगुलर होते हैं, है ना। तो देखो बेटा सुनो, इस ट्राइंगुलर फेस के तीनों जो लिगेंड है वो एक ही जैसे हैं, है ना। अब देखो इसी तरह से अगर मैं यहां देखूं, देखो बेटा ये जो नीचे वाला है ये भी क्या है, एक ही तो जैसे हैं। देखो बेटा सुनो,
अब ये समझो, ये दो व्हाइट इसको ऐसे मिलाओ, देखो है कि नहीं है, है ना बेटा, बोलो ये बात सुनाई, ठीक है। तो आप एक बात बताइए मुझे कि अपन इसमें ऐसा कह सकते हैं, है ना, एक पिक्चर तो ये है और एक पिक्चर ये है कि नहीं है, है ना। तो इसमें हो क्या रहा है, देखो इसमें हो सिंपल सी ये बात रही है कि ए ए ए, बी बी और बी है। इस एक फेस के तीनों कॉर्नर्स पे जो लिगेंड है वो एक जैसे हैं, कहां पर एक जैसे हैं, अरे कहां पर एक जैसे हैं, एक फेस के तीनों कॉर्नर पर है बेटा, है ना। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, देखो इसको बोलते हैं फेशियल आइसोमर, है ना, फेशियल आइसोमर, एफ ए सी बोलते हैं इसको, शॉर्ट में एफ ए सी लिखा मिलेगा आपको। फेशियल कहां से आया, फेस से आया है, ये एक फेस है कि नहीं है, बोलो। देखो ये जो आपने बना रखा है, देखो बेटा ये देखो, ये जो फेस है ना, ये बात सुनागी, बोलो ये जो ट्राइंगल बनेगा क्या वो सेंटर से पास होगा क्या, ये जो ट्राइंगल बना रहे हो आप, अगर इस ट्राइंगल को ये जो बना, ये सेंटर वाले एटम से पास होगा क्या, नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो ये समझ में आया, फेशियल आइसोमर समझ में आ गया। अब बताओ ये जो फेशियल आइसोमर है, ये तीनों लिगेंड आपस में एक दूसरे के साथ कौन सी कंडीशन में, बताओ तीसरा ट्रांस बताओ। देखो ये ग्रीन उस ग्रीन के साथ 90, ये इसके साथ 90, इसके साथ 90, तो तीनों आपस में क्या है 90 पे, तो सिस फॉर्म होगी क्या बेटा, ये सिस फॉर्म होगी और ये भी सिस फॉर्म होगी, मतलब तीनों क्या है सिस है, ये भी तीनों सिस, ये भी तीनों सिस, समझ आ गया। तो अपन क्या बोलेंगे, बोलो अपन ऐसा बोलेंगे कि ऑल थ्री ए आर सिस विद ईच अदर, ऑल थ्री ए आर सिस विद ईच अदर। तो यहां तीन सिस कंडीशन हो गए, एक ये दो और ये तीन, क्या समझ में आया। अगला देखो बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये लिया मैंने, ठीक है। अब देखो अगर मैं ऐसा बना देता हूं ये, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से सुनना, ये अपन एक्सप्लेन करते हैं डायग्रामेटिकली इसको। देखो बेटा सुनो, ये अब कोई सा भी आप ट्राइंगुलर फेस ले लो, है ना, कोई सा भी ट्राइंगुलर फेस ले लो, तीनों एक जैसे नहीं है, चेक करो। देखो बी ए ए, ए बी बी नहीं आएगा ना, ये चेक कर लो आप, है ना। अब जो तीनों सिमिलर लिगेंड है ना, उसका एक ट्राइंगल बनाते हैं अपन, है ना, और चेक करते हैं कि उसकी क्या खास बात आ रही। एक बात बताओ, ये जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं आपको, ये तीनों ग्रीन वाले, जब मैं इनको कनेक्ट करूंगा, देखो बेटा ये यहां से यहां यहां, तो ये ट्राइंगल बना, ये ट्राइंगल क्या सेंटर से पास हो रहा है, क्या सेंटर से गुजर रहा है, अरे गुजरेगा ना, अरे सेंटर से गुजरेगा। और ये तीनों ऐसे मिलाओ देखो, तो क्या ये भी सेंटर से गुजरेगा, गुजरेगा क्या, गुजरेगा बेटा, थोड़ा ध्यान दो। देखो अगर अपन इसको समझने की कोशिश करें तो ध्यान दीजिए, अभी समझ में आ जाएगा आपको। एक काम करते हैं, अपन सिर्फ तीन बी को लेते हैं,
देखो ये बी, ये बी, ये बी, ये हो गया देखो ये तीन बी, एक दो तीन। तो जब ये ट्राइंगल बनाया तो ये सेंट्रल एटम से पास हो रहा है ना, बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो हो रहा है ना, सेंट्रल एटम से पास हो रहा है ना। अच्छा अब देखो ये जो तीन दिख रहा है आपको, ठीक है वो तीन कौन से देखो, ये। तो जब आप इस ट्राइंगल को बनाओगे है ना, तो ये ट्राइंगल भी तो क्या होगा, सेंटर से पास होगा क्या, देखो बोलो समझ में आ रहा है, अरे समझ में आएगा। अच्छा जो सेंटर से पास होता है ना, उस आइसोमर को अपन नाम देते हैं मेरीडियोनल, मेरीडियोनल आइसोमर, या इसको बोलेंगे मर आइसोमर, ठीक है मेरीडियोनल या मर। देखो इस वजह से याद रखो, जो सेंटर से गुजर गया, गुजर गया मतलब मर गया, याद रह जाएगा। जो ट्राइंगल, अगर उस ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर पर लिगेंड एक जैसे हैं और अगर वो सेंटर से गुजर रहा है ना, गुजर रहा है तो वो मर गया, कितना सा वो गुजर गए मतलब वो एक तरह से उनकी डेथ होगी। तो बस ये याद रखने का है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो मर आइसोमर समझ में आ गया, अरे मर और फेशियल आइसोमर समझ में आ गए क्या, बोलो। अब एक बात बताओ, मर आइसोमर में बताओ कितने सिस है सिमिलर के बीच में और कितने ट्रांस है, बेटा ये ध्यान देना। देखो आप बताओ कि जैसे ये वाइट दोनों आपस में 90, ये दोनों 90 और ये क्या हो गया 180 हो गया, चेक करो। देखो जैसे मैं बात करूं, देखो ये बी और बी 90, ये बी और बी 90, ये बी और बी क्या हो गया, बोलो 180 हो गया। तो देखो या तो तीनों ए या तीनों बी क्या थे 90 पे थे, या दो सिस और एक ट्रांस, क्या बात समझ में आई, बोलो। ये बेटा 12th में आता आपका क्वेश्चन कि एक्सप्लेन फेशियल एंड मेरिडियोनल आइसोमर्स, समझ में आ गया। तो बताओ मर आइसोमर में क्या ध्यान रखना है, इसमें दो तो सिस और एक ट्रांस है ना, फॉर ए या ऑब्लिक बी, और इसमें पोल इसमें क्या होगी थ्री सिस फॉर ए या ऑब्लिक बी, क्या ये समझ में आया, इसमें किसी को डाउट है क्या, अरे डाउट है क्या, हाँ जी आगे चले, पेशियल मेरिडोरियल समझ में आ गया, पेस पे होगा तो फेशियल, मेरिडोनियल मैंने ऐसे याद रखा कि जो सेंटर से गुजरा वो मर गया है ना, ऐसे याद रखो। वैसे मेरी आपने पढ़ी होगी कभी, जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो लाइनें पास होती थी, याद करो सेंटर से है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट केस मैं आपको देता हूं, बताओ मुझे जो भी केस है, फोर्थ फिफ्थ एम ए थ्री बी टू सी, इसके कितने जीआई बनेंगे बताओ, ए थ्री बी टू सी के, कितने बनेंगे बताओ,
कॉम्बिनेशन बनाओ, वेरी गुड इंसा कुमार, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करने लगी अब तुम। अमीशा जैन करेक्ट बेटा, अंशु शर्मा करेक्ट, जतिन सही है, तीन बनेंगे, वेरी गुड। देखो ये है ना, ऐसा नहीं, देखो ए ए बी बी सी, देखो क्या बना सकते हैं, ए ए ए बी बी सी ऐसा बन सकता है। एक तो ये बन गया, इसमें तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखो क्या बन सकता है, ए बी ए बी और ए सी बन सकता है, ठीक है। अब एक और क्या बन सकता है, देखो ए ए और बी बी और ए सी बन सकता है क्या, अच्छा सर हाँ जी, ये बन रही है कंडीशन, ये बन रही है, तो कोई डाउट है? अरे समझ में आया क्या, बोलो। चलो आप बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, पहला इसमें ऑप्टिकली एक्टिव है, पहला इनएक्टिव, दूसरा दूसरा बताओ, सेकंड वन इनएक्टिव, क्यों? देखो ए बी ए बी एक जैसे ग्रुप आ गए, इनएक्टिव, ये बताओ इनएक्टिव या एक्टिव, बोलो इनएक्टिव, तीनों इनएक्टिव है ना। तो देखो बहुत आसान है, अगर आपने पेयर्स बनाने सीख ली तो बहुत आराम से कर पाएंगे आप। एक बात सुनो बेटा, इसको बना के बताओ, ये लिया आपने, बोलो ये बनेंगे, ये बनेंगे क्या, बनेंगे। अब बताओ इसमें से कौन सा आइसोमर फेसियल है, बताओ भैया फेसियल आइसोमर बताओ, कोई फेसियल आइसोमर है क्या, कोई फेसियल आइसोमर है क्या, है भैया? देखो ध्यान दीजिए, इस फेस के तीनों कॉर्नर पर लिगेंड एक जैसे आ गए, आ गए ना, ये बटा टीशर हो गया ना, किसी भी एक कॉर्नर मतलब एक फेस में भी आ जाए वो फेशियल कंसिडर हो जाएगा। फिर ये समझ में आ गया क्या, अरे समझ में आ गया क्या, चलिए ये बताओ फिर मेरे को, इसका बताओ एम ए थ्री बी सी डी है ना, एम ए थ्री बी सी डी कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं, वेरी गुड कुंतल,
चार बनने। देखो सबसे पहले क्या क्या कॉम्बिनेशन, ए ए ए बी और सी डी, ठीक है, फिर ए ए फिर ये हो जाएगा ए सी बी डी, फिर ए ए, देखो एक बार एक के साथ बी, एक बार एक के साथ सी, अब ए के साथ डी लिया है तो ए डी, तो ये हो जाएगा बी सी, ठीक है। फिर देखो क्या हो सकता है, ए बी है ना, ए सी और ए डी हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन समझ में आए, कॉम्बिनेशन समझ में आए क्या? अच्छा ये तीन ही क्यों बन रहे बताओ, ये तीन ही क्यों बना रहे हैं, रीजन समझ में आया, तीन 180 के तीन एंगल होते हैं है ना, ठीक है। अब बताओ बताओ पहले वाला ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, पहले वाला ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? देखो पहले वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, दिख रहा है, नहीं है। दूसरे वाला सेकंड इनएक्टिव है, थर्ड, थर्ड बोलो नहीं है, फोर्थ बताओ, फोर्थ बताओ ये एक्टिव है, ये एक्टिव है भैया, ये एक्टिव है। देखो ए बी ए सी ए डी, ना इसमें दोनों सिमिलर या ना दो पेयर सिमिलर, नहीं है ना, तो देखो बेटा क्या होगा, इसका मतलब इसकी मिरर इमेज भी बनेगी, ये और इसकी मिरर इमेज है ना, समझ में आ रही है बात, जब इसकी मिरर इमेज बनेगी इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स दो हो गए, अरे बास भाई, ये और इसकी मिरर इमेज। ऐसा करते हैं कल अपन इसको बना के देखेंगे, यहीं से लेते हैं वापस अपन, ठीक है ना। तो बेटा आज क्लास खत्म करते हैं अपन, आपको मैंने एक बात